गुड आफ्टरनून, आज आप सबको हम मोलस्का के बारे में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट फाइलम है मोलस्का। मोलस्का के बारे में आप समझेंगे, मोलस्का क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। द फाइलम मोलस्का, दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। ये जो होता है, जितना फाइलम आप देखे हैं, सबसे लंबा, सबसे बड़ा फाइलम है। क्या है? सबसे बड़ा फाइलम है मोलस्का। आर टेरेस्ट्रियल। मोलस्का कैसे होते हैं? स्थल पर रहते हैं। आर इक्वेटिक कह रहा है, टेरेस्ट्रियल आर इक्वेटिक। और कहाँ रहते हैं? जल में रहते हैं। अब देखेंगे, कह रहा है मैराइन आर फ्रेश वाटर। ये कहाँ रहते हैं? मैराइन माने समुद्री जल में भी रहते हैं, और कहाँ रहते हैं? फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मतलब शुद्ध पानी, जो पीने योग्य पानी, फ्रेश वाटर। और इसे एडिबल वाटर भी कहते हैं। क्या कहेंगे? एडिबल वाटर भी कहेंगे। मतलब ये कैसे होते हैं, ये क्या है? अब आप यहाँ से फिर से देखें, दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। ये मतलब कार्डेट, क्या आपने देखा था? क्या कौन सा फाइलम? इसके जस्ट ऊपर आपने देखा था आर्थ्रोपोडा फाइलम के बाद सबसे ज़्यादा जीव, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, सबसे ज़्यादा जीव अर्थात एनिमल कहाँ पर पाए जाते हैं? मोलस्का में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम कहा जाता है। मोलस्का टेरेस्ट्रियल, ये कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं। कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं अर्थात मरुस्थल या स्थल पर पाए जाते हैं। आर इक्वेटिक, और कैसे होते हैं? जलीय होते हैं, और जल में भी, जल दो प्रकार का होता है, एक मैराइन वाटर होता है, एक फ्रेश वाटर होता है। तो ये मैराइन वाटर में यानी समुद्री जल में भी पाए जाते हैं, समुद्र के अलावा जो भी पानी पाया जाता है उसमें भी पाए जाते हैं। हैविंग आयन आर्गन सिस्टम, इनका जो शरीर होता है आर्गन सिस्टम लेवल का होता है, मतलब इनमें अंग विकसित होते हैं। आर्गन सिस्टम का मतलब इनमें अंग विकसित होते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें मतलब अंग, सभी अंग अलग अलग काम करते हैं। इसके बाद देखेंगे, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, इनको हम क्या कहते हैं? बायलेटरिकल रूप से सिमेट्री होती है इनकी, मतलब इन्हें भागों में, हम दो चार भागों में डिवाइड भी कर सकते हैं बायलेटरली। ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसमें ब्लास्ट जो होते हैं इक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मीजोडर्म, तीन डर्मों से मिलकर बने होते हैं, और सिलोमेट होते हैं, अर्थात इसमें ट्रू सिलोम पाया जाता है। ट्रू सिलोम कहाँ से पाया जाता है? एनिमल्स से। कहाँ से? एनिमल्स नहीं, एनिलीडा फाइलम में सबसे पहले ट्रू सिलोम देखा गया था, तो वहीं से ऊपर का जो फाइलम है सब में क्या है, यह पाया जाता है। बॉडी इज कवर्ड बाई कैलकेरियस सेल, इसकी जो बॉडी होती है, मतलब मोलस्का की जो इसका शरीर होता है, कह रहा है बॉडी इज कवर्ड बाई कैलकेरियस सेल, इसकी जो शरीर की बॉडी होती है, देखेंगे तो ये क्या होता है, आप देखे होंगे, हो सकता है, क्या ये कैसा होता है, ये इसकी बॉडी जो होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, इसीलिए इसे क्या कहा जा रहा है? कैलकेरियस सेल। इस प्रकार के सेल को SEL कहते हैं, इसका जो कवर है इसी को हम सेल कहते हैं। इज अनसेगमेंटेड विद द डिस्टिंग हेड, ये क्या होती? अनसेगमेंटेड, कोई इसमें सेगमेंट देख रहे हैं आप? कोई सेगमेंट नहीं है। डिस्टिंग हेड, दूर की तरफ, डिस्टिंग मतलब दूर की तरफ, क्या होता है? हेड होता है। देखो आप दूर की तरफ देखो, क्या है? हेड है। एंड मस्कुलर फुट, और इसमें कुछ जीव होते हैं जिसे देखेंगे, इसमें आप क्या होता है? फुट होता है, पैर होता है। देखिए क्या होता है, पैर देख रहे हैं? देखिए पैर है, फुट है, मस्कुलर फुट है, इधर हेड है। अब इसके बाद देखेंगे आपकी क्या है, इस सॉफ्ट क्या है? इस सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन, इसमें क्या होता है? एक सॉफ्ट स्पंजी लेयर ऑफ स्किन होता है। क्या होता है? इसके अंदर जब आप जाएंगे तो इसमें सॉफ्ट स्पंजी लेयर क्या होता है? स्किन होता है। फॉर्म ए मेंटल कवर, ए मेंटल ओवर द विसरल हम्प, जिसे हम क्या कहेंगे? यहाँ वाले बीच वाले भाग को हम क्या कहेंगे? विसरल हम्प कहेंगे। द स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी, मतलब ये वाला स्पेस और ये वाले भी स्पेस के बीच में विसरल हम्प कहा जाता है, उसे क्या कहेंगे? मेंटल कैविटी कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? मेंटल कैविटी कहेंगे। इन विच फीदर लाइक गिल्स, इनमें क्या होता है मोलस्का में? फीदर लाइक क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। कैसे गिल्स होते हैं?
फीदर लाइक्स गिल स्टूडेंट पाया जाता है। कैसा गिल्स पाया जाता है? फीदर लाइक्स गिल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मोलस्का के जीव में हम कह सकते हैं कि फीदर लाइक गिल्स, गिल्स कैसा पाया जाएगा? फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होता है, इतना आपको याद रखना चाहिए। दे हैव रिस्पायरेटरी एंड स्टिटी फंक्शन, जो गिल्स होता है इनका फीदर लाइक गिल्स होता है, वो रिस्पायरेशन में, श्वसन में और इसक्रीशन में, यानी कि उत्सर्जन में, इसक्रीशन का मतलब उत्सर्जन, दोनों में क्या करता है? फीदर लाइक गिल्स हेल्प करता है मेरी स्टूडेंट्स। इसके बाद द इंटीरियर हेड रीजन, जो इंटीरियर हेड रीजन है, रीजन इस सेंसरी टेंडिकल, इसमें क्या है? टेंडिकल निकले रहते हैं, देखिए इस कुछ जीव है जिसमें टेंडिकल निकले रहते हैं, देखिए टेंडिकल है, आप देखेंगे आगे देखेंगे। इसके बाद कह रहा है दे हैव दे आर हेड द रीजन आर सेंसरी टेंडिकल्स, दे द माउथ कंटेन ए फाइल लाइक रिस्पायरी आर्गन, फाइल लाइक मतलब इसके माउथ में फाइल लाइक रिस्पायरेटरी आर्गन फॉर द रेडुला, इसमें क्या होते हैं? रेडुला होते हैं, देखिए ये क्या है? रेडुला है, रेडुला होते हैं। अच्छा इसके कुछ आप एग्जांपल देखेंगे मेरे स्टूडेंट्स, आपका इस दे हैव यूजली डायोसियस आर ओविपेरस इन डायरेक्ट डेवलपमेंट। अच्छा इस ये क्या होते हैं? डायोसियस होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल क्या होते हैं? अलग होते हैं। डायोसियस का मतलब डायोसियस मतलब मेल और फीमेल क्या है बच्चों? अलग अलग रहते हैं। जैसे हम लोग डायोसियस हैं, मेल फीमेल तो एक शरीर में रहता नहीं, जैसे उसी हिसाब से मोलस्का में ये क्या होते हैं? डायोसियस होते हैं, ओवी पैरस होते हैं, ये अंडे को देते हैं। कैसे होते हैं? ओवी पैरस होते हैं और ये क्या करते हैं? अंडे को देते हैं। इसके बाद इनका डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, अर्थात इसमें क्या है? लार्वल स्टेजेस पाई जाती हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब पहले क्या है? लार्वा आएगा, प्यूपा आएगा, फिर मतलब तब उसके बाद जो है मैच्योर बेबी बच्चा बनता है। तो इसमें मतलब लार्वल स्टेज होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वा स्टेज का आना, ठीक है? तो जैसे मेंढक में क्या होता है? लार्वल स्टेज आती है। तो इसके बाद आप देखेंगे कि इसका एग्जांपल जो है पाइला है, इसका एग्जांपल आप देखेंगे, इसका एग्जांपल जो है पाइला क्या है? इसका एग्जांपल पाइला है, पाइला को और हम क्या कहते हैं? पाइला को एप्पल स्नेल भी कहते हैं, देखिए एप्पल स्नेल भी कहते हैं, क्या कहेंगे? एप्पल स्नेल भी कहते हैं। और इसका दूसरा एग्जांपल आप देखेंगे पिक क्या है? पिक पिंग टाटा, पिंग टाटा, पिंग टाटा, पिंग टाडा वल्गेरिस है। और ये क्या करता है? पर्ल, पर्ल माने क्या होता है? इसी से मोती प्राप्त किया जाता है, पर्ल ओएस्टर भी इसे कहते हैं, पर्ल ओएस्टर, अर्थात पिंग टाटा से पर्ल ओएस्टर यानी कि मोती प्रदान किया जाता है। और इसका नेक्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? इसका नेक्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे और क्या है? इसका इसका नेक्स्ट एग्जांपल है कटलफिश है। इसका नेक्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे तो क्या है? कटलफिश है, क्या है? कटलफिश है। और देखेंगे इसका नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? लोलीगो भी है, क्या है? लोलीगो जिसे स्क्विड भी कहते हैं, क्या कहते हैं? स्क्विड भी कहते हैं, ठीक है। और इसका नेक्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे, इसका नेक्स्ट एग्जांपल है ऑक्टोपस, क्या है? ऑक्टोपस, ऑक्टोपस जिसे हम क्या कहते हैं? डेविल फिश, जिसे हम कहेंगे डेविल फिश। अभी अभी एग्जाम में पूछा गया था, 11th के एग्जाम में अभी भी डेविल फिश के बारे में पूछा, इसलिए आपको सभी एग्जांपल रट लेना है बच्चों। और इसका नेक्स्ट एग्जांपल है आप, इसका नेक्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे क्या है? अपलाइसिया, अपलाइसिया इसका नेक्स्ट एग्जांपल है, अपलाइसिया, ठीक है। और इसका और एग्जांपल हम इसको बताते हैं आपको, इसका नेक्स्ट एग्जांपल है डेंटेनियम, क्या है? डेंटेलियम, क्या है? डेंटेलियम। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है डेंटेलियम है, जिसे जिसे हम जिसका अथवा नाम है क्या? टस्क सेल, क्या है? टस्क सेल, जिसे हम क्या कहेंगे? टस्क सेल भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे, इसका और क्या एग्जांपल है देखेंगे, इसे इसका एग्जांपल है की क्या है? कीटो प्लियूरा, क्या है? कीटो प्लियूरा, जिसे हम क्या कहते हैं? काइचान,
क्या कहेंगे, जिसे हम और क्या कहते हैं, काइटॉन भी कहते हैं। क्या कहेंगे, काइटॉन भी कहते हैं। तो हमने आज देखा क्या मोलस्का, मोलस्का क्या होते हैं, मोलस्का जल में भी पाए जाते हैं और मतलब शुद्ध जल में भी पाए जाते हैं और मेराइन जल में भी पाए जाते हैं। कुछ मोलस्का क्या होते हैं, टेस्टियल होते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। और इसको अब इसके बाद हम नेक्स्ट फाइलम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप इसका सभी एग्जाम्पल, आई रिक्वेस्ट यू, आप लोग सब तैयार करें इसको। थैंक यू बच्चों।